नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा आज हरिद्वार में सरकार के खिलाफ भरेगी हुंकार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, हरिद्वार में लोगों में कांग्रेस के प्रति बड़ा है रुझान। मंगलौर के नसीरपुर गांव में मंदिर के कमरे से साधु का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस के साथ मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। रुड़की में 19 और 20 सितंबर को भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण भी होंगे शामिल। रुड़की के कृष्णानगर में तेंदुए की दस्तक से लोगों में मची दहशत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। जोशीमठ में चार धाम यात्रा खोलने के निर्देशों के बाद हेमकुंड साहिब के भी खुले कपाट। करीब 100 श्रद्धालुओं ने दरबार साहिब में टेका माथा। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में शुरू हुई चहल पहल। लंबे इंतजार के बाद लगे जय बद्री विशाल के जयकारे। रुड़की में 19 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं रुड़की मेडिकल एसोसिएशन के चुनाव। सभी प्रत्याशियों ने मेडिकल स्टोर स्वामियों से की सहयोग की मांग। राजधानी देहरादून में डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चंद्र भट्ट ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। कहा, सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के साथ किया जा रहा है सौतेला व्यवहार। डोईवाला के लच्छीवाला रेंज में थम नहीं रहा है हाथियों का कहर। बर्बाद हो रही है किसानों की तैयार फसलें। बाजपुर के ग्राम नरखेड़ा में बंद पड़ी पुलिया को खुलवाने और नाली निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भूख हड़ताल करने की दी चेतावनी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कसा तंज। कहा, कांग्रेस को अपना परिवर्तन करने की है जरूरत। आगरा में डेंगू वायरल से 9 बच्चों समेत 11 की मौत। फिरोजाबाद में 5 ने तोड़ा दम। मेरठ में कोरोना से राहत, डेंगू स्क्रब टाइफस ने मचाई आफत। आगरा में बदमाशों ने दुकान में घुसकर की लूट की कोशिश। विरोध करने पर कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगे रिकॉर्ड तोड़ कोविड टीके। 222 केंद्रों पर 63,090 लोगों का हुआ टीकाकरण। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में लगे 50% कोविड टीके। बिहार में सबसे ज्यादा 29 लाख से ज्यादा को दी गई वैक्सीन। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदी की अलग जगा रहे हैं न्यायमूर्ति गौतम चौधरी। हर दिन 30 से 35 मुकदमों में हिंदी में देते हैं आदेश और निर्णय। लखनऊ में 2 महीनों में धंस गई करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई सड़कें। बारिश ने उधेड़ दी स्मार्ट सिटी के दावों की पोल। सीतापुर में देवर ने शराब के नशे में सब्जी काटने वाले चाकू से की भाभी की गला रेत कर हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद हुआ फरार। और सुल्तानपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, माँ बेटे की झुलस कर मौत। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।